देखिए, जो दूसरी लहर आई है और पहली लहर में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहली लहर जो थी वो जो बुज़ुर्ग लोग थे उनमें ज़्यादा ये अटैक कर रही थी, जिनको बीमारियां थी उनको ज़्यादा अटैक कर रही थी। मगर ये जो दूसरी लक्षण जो अपनी वेव है उसमें बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं और जो जवान लोग हैं वो भी पीड़ित हो रहे हैं। अब बच्चों में जो लक्षण पाए जा रहे हैं ये तो खांसी, जुकाम, शोर थ्रोट, सांस फूलना, ये सब तो है ही। इसके अलावा डायरिया, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, पेट दर्द और ज़्यादा सोना, ये सब चीज़ें जो हैं ये देखी गई हैं बच्चों के अंदर। बच्चों में ये जो लक्षण पाए गए हैं इसका जो एक मतलब ये भी है कि इनको खुद को तो माइल्ड सिम्टम हो रहे हैं या एसिम्टोमेटिक हो रहे हैं, मगर ये एज सुपर स्प्रेडर काम करते हैं। घर में होने के वजह से वो बाकी जो बुज़ुर्ग लोग हैं या बाकी बड़े लोग हैं उनको संक्रमित करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को पार्क्स में, ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह में ना लेके जाएं, ताकि वो ये ना हो कि खुद तो एसिम्टोमेटिक रहें मगर घर के बाकी सदस्यों को वो इन्फेक्ट कर दें। देखिए, सिर्फ अस्थमा ही नहीं, बच्चों में भी डायबिटीज़ होता है। बच्चों में भी ऐसी कई बीमारी हैं जिनमें इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो बच्चों का वो जो जो बीमारी जो है उनको उनसे दूर रखना है, यही सबसे बड़ा बचाव है। क्योंकि उनके लिए मैंने जैसे बताया कि वैक्सीन तो है नहीं, अब अगले हो सकता है 2-3 महीने में हम 18 साल से ऊपर वाले लोगों को तो वैक्सीन प्रदान कर सकें, बट कम उम्र वाले बच्चे जो 18 साल से हैं उनके लिए वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो ये वर्ग जो है वो ज़्यादा खतरे में हो जाएगा और इससे हमें बचाव करना है। विटामिन डी का सेवन, विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स और आयरन, ये जो हैं हमें देखना है कि इनका सेवन हम अगर बच्चों में थोड़ा बढ़ा दें, कुछ तो अच्छे फल फ्रूट के द्वारा, एग्स खाएं, जो नॉनवेज खाते हैं वो खाएं, उसके अलावा अगर उनको डेफिशिएंसी है तो वो डॉक्टर के पास जाके वो उसका जो मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, जो विटामिन डी है, विटामिन सी है, जिंक है, इनका सेवन जो है ये एक इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। सर, कौन कौन से फ्रूट हम मतलब लोग बड़े लोग खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं? इसी फ्रूट आज अब आम आ गया है, उसमें विटामिन ए बहुत अच्छा है और भी बहुत अच्छे पदार्थ हैं। सिट्रस फ्रूट सारे ही बहुत अच्छे हैं। सो ये हैं अंगूर हैं, अनार है, ये सब चीज़ें हैं जिनमें आयरन, विटामिन डी, विटामिन सी और सारे जो ये इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फ्रूट्स में पाई जाती हैं।